So I have taken one bowl of boiled pasta. This is boiled. Coriander for garnishing. 1 cup of milk along with cream. I'm using desi ghee. You can also use butter. This is mayonnaise. You can see. And this is oregano. This is ब्लैक पेपर जो कि मैंने प्रॉपर पूरा अच्छे से मैंने उसको पाउडर नहीं बनाया है बिकॉज दिस विल गिव इनहांस लुक एंड इट विल बी मोर टेस्टी. दिस इज एंड दिस इज योर रिफाइंड फ्लोर दैट इज मैदा जो होता है वो. एंड हियर आई एम यूजिंग दीज चिली फ्लेक्स. यू कैन यूज एनी. आई एम यूजिंग दीज चिली फ्लेक्स. यू सी नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट सम देसी घी ऑन इट. जस्ट 1 स्पून ऑफ देसी घी एंड दैट्स इट. जैसे देसी घी या फिर आपका बटर मेल्ट हो जाए और अच्छे से ऐसे हीट अप होने लगे यू नीड टू पुट 2 स्पून्स ऑफ 2 बिग स्पून्स ऑफ रिफाइंड फ्लोर लाइक दिस एंड मिक्स इट. 2 स्पून्स बेसिकली. यू नीड टू अवॉइड कि वो जले बिल्कुल भी नहीं. आप ठंडा होने के लिए रखेंगे फॉर 2 मिनट्स नॉट मोर देन दैट. नाउ वी विल टेक अनदर पैन. इसे हीट अप करेंगे ताकि इसमें पानी ऑयल जो भी एक्स्ट्रा हो वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल जल जाए. एंड देन दूसरे साइड में इसे थोड़ा सा स्प्रेड आउट करते रहेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और बाद में लम्स ना क्रिएट हो. राइट सो आप देख सकते हो हेयर पानी. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पूरा इसमें डालेंगे. पहले फ्लेम को लो करेंगे. इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से छनाएंगे. आप देख सकते हो हल्का सा लाइटिश कलर भी है इसमें अच्छे से. नाव इसे ऐड करेंगे कि इसमें लम्स बिल्कुल ना पड़े. आप देख सकते हो कितना ही थिक हो रहा है. हम इसे अच्छे से चलाएंगे. आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है. एंड सी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है तो मतलब सॉस अच्छे से मेरा हो गया है. अब हम फ्लेम को धीमा करे हुए थे तो अब हम इसे टर्न ऑफ करेंगे. आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं. दीज आर चॉप्ड वेजिटेबल्स. सो सबसे पहले हम ये वेजिटेबल इसमें हमने क्या लिया है पोर इट. स्टार्टेड लुकिंग सो कलरफुल. Okay, we will also add this black pepper powder, not all, but a pinch of. So we need to take 1 spoon. So I have taken this my 1/3 part. I need to sprinkle it. I need to take more, basically half of that which I have already put. Then further, I will add this pasta. This is totally boiled pasta. You can see how beautiful it is. इस पास्ता को जब भी बॉयल करें तो थोड़ा ऑयल डाल के प्लीज़ बॉयल करें. इससे क्या होता है, इससे आपका पास्ता चिपकेगा नहीं. राइट मैंने बहुत ही गर्म गर्म बिल्कुल बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था. सो हेयर इट इज. देखिए कितने आराम से निकल रहा है बिकॉज मैंने इसमें ऑयल पुट किया था ड्यूरिंग बॉइलिंग. राइट अब देखो पूरे सारे पीसेज एकदम अलग है. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम चलाएँगे. Now we will take mayonnaise also. So here it is. Let's take it. So 1/4 spoon. You can see 1/4 spoon of mayonnaise. Another 1/4 spoon of mayonnaise. It was an Italian taste, देखा आपके. Now I am putting this oregano. 1/2 spoon of oregano. Now time for chili flakes. So I'm adding these chili flakes. I told you it is of Nature Smith. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो या आपके ऊपर टोटल ऑप्शन है. आपको नहीं यूज़ करना आप नहीं यूज़ कर सकते हो. कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है. लेट्स मिक्स इट वेल. नाउ वी विल ऐड सॉल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं इसको थोड़ा 1/2 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हो. नाउ फर्दर आई एम मूविंग टू कोरिएंडर. ध्यान रखिएगा गैस फ्लेम अभी बंद है. मैंने फ्लेम को बंद करके रखा है क्योंकि रिफाइंड फ्लोर बहुत जल्दी फ्लूइड फॉर्म में बनता है तो फ्लूइड इन द सेंस लम्स बहुत जल्दी आ सकते हैं. इसलिए मैं सब कुछ बंद करके कर रही हूँ. आपको भी इसी तरह से करना है. इसको मिक्स करने के बाद हम इसे केवल 1 मिनट तक पकाएंगे वो भी लो फ्लेम में. ठीक है एंड देन आई एम शोइंग इट. सो इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग. एवरीथिंग इज डन. लेट्स प्लेटिंग करते हैं. इस तरह से बहुत अच्छे से हम लोग को प्लेटिंग करनी है. यू कैन यूज़ एनी प्लेट. मैंने स्टफ अपना यूज़ किया है. आप कितनी ज़्यादा भी कर सकते हो नो इश्यूज़. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ये जो हमारा चिली पाउडर दिस ब्लैक पेपर पाउडर हम इसे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे फॉर गार्निशिंग. फर्दर आई विल नॉट स्प्रिंकल एनीथिंग एल्स. एंड यू कैन सी कोरिएंडर लीव्स वी कैन यू नो पुट लाइक दिस. एंड नाउ इसे अच्छे से हम